ज्योग्राफी के चैप्टर सेकंड्स के अंदर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ा था, जिसमें टोटली हम लोगों ने पढ़ा था 5 टाइप की फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हिमालय माउंटेन्स के बारे में। और ये इस हिमालय माउंटेन्स के बारे में बेसिकली हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था, ठीक है। इसकी हम लोगों ने टोटल लेंथ और टोटल साइज जम्मू कश्मीर से आसाम तक, और इसको लॉन्गिट्यूड क्यों बोलते हैं और किस तरह से कैसे क्या होता है, इसमें कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो उसका बेसिक छोटा सा रिविजन कर देते हैं हम लोग की था हिमालय आर द यंगेस्ट माउंटेन्स। इसको हम लोग यंगेस्ट माउंटेन्स बोलते हैं क्योंकि ये सबसे यंग माउंटेन है, और सबसे ओल्ड माउंटेन जो है वो अरावली है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि द हिमालय फॉर्म एन आर्क विद 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, द विड्थ ए वेरियस फॉर्म 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश में है, ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। द एल्टीट्यूड वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न पार्ट, एल्टीट्यूडर होता है अपर साइड, यानी इसकी ऊंचाई जो है ग्रेटर इन द ईस्टर्न पार्ट, ग्रेटर है ईस्टर्न पार्ट में। एंड देन वेस्टर्न पार्ट में देयर आर 3 पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस, लॉन्गिट्यूड में इसके 3 पैरेलल पार्ट है, और वो कौन कौन से वो अभी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय जो है माउंट एवरेस्ट जो 8848 यानी 8848 है, K2 जो है वो 8601 है, और कंचनजंगा है, फिर एल्टोस है, मकालू है, छोयो है, धौलागिरी है, मनालसू है, नंगा पर्वत है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने तीन ये पीक पढ़े थे, जिसमें ये जो तीन पैरेलल रेंजेस है, ये तीन हिमालय के रेंजेस है, ग्रेटर हिमालय जिसको हम लोग इनर हिमालय भी बोलते हैं, लेसर हिमालय जिसको हिमाचल बोलते हैं उत्तराखंड वाला साइड वाला, और शिवालिक जो नॉर्थ प्लेन से थोड़ा सा ऊपर वाले बोलते हैं। अब ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय की बात करते हैं तो दिस इज द नॉर्थ मोस्ट रेंज एंड इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री, ये नॉर्थन मोस्ट रेंज है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिमाद्री। एंड दिस इज द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज, ये लगातार चलने वाली रेंजेस है, और ये लॉफिट्स पीक है, मतलब बहुत ही ऊपर से हाई और बाकी छोटी। रेंजेस कितनी इसकी 6000 मीटर्स, ऑल द प्रोमिनेंट हिमालय पीक्स आर इन दिस रेंज, द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयस आर एसिमेट्रिकल इन नेचर एंड द कोर ऑफ इट्स पार्ट आर कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, इसमें ग्रेनाइट बहुत अच्छा सा है, बिकॉज ऑफ द लॉफ्टी हाइट द पीक ऑफ दिस रेंज आर पैरेलली स्नो बाउंड, इस बर्फ से पूरी ढकी हुई रहती है, ये हाइट हाई होने की वजह से, ठीक है। क्या इसमें मेन क्या पॉइंट याद करना है, एक तो ये लॉफ्टी पीक है, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं, इसकी हाइट जो है वो 6000 मीटर है, और ये इसमें अपर साइड की तरफ होने की वजह से इसमें बर्फ लगी हुई रहती है। फिर बात करते हैं लेसर हिमालय जिसको हम लोग हिमाचल भी बोलते हैं, ये इस साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालय से इसका एल्टीट्यूड और पीक ही है, इसमें रेंजेस जो है वो 3700 से लेके 4500 तक है, एवरेज विड्थ जो है 50 किलोमीटर इसकी, और ये हाई कंप्रेशन एल्टीट्यूड अलर्ट एल्ट्रेट रॉक से यानी चेंज होती रहती है। शिवालिक की बात करें तो दिस इज द आउटर रेंज ऑफ द हिमालयस, द एल्टीट्यूड वेरियस बिटवीन 900 टू 100 किलोमीटर, वेरियस बिटवीन 10 टू 15 किलोमीटर, दीज रेंजेस आर कंपोज टू अनकॉन्सोलेट सेटिमेंट्स, एंड द लॉन्गिट्यूड वैलीज लाइन बिटवीन द हिमाचल एंड शिवालिक आर कॉल्ड दून, जो क्या कहलाती है दून, ठीक है। इसका वीडियो मैं आपको बता दूंगा अभी इसके नेक्स्ट टॉपिक में ही, ताकि आपको पता चल जाए कि कहां पे क्या है, राइट। तो अभी कौन कौन सा था, एक तो ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, ठीक है। हिमालय रीजन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो उसमें एक तो पंजाब हिमालय आता है, ये सारा पार्ट हमें लिखना पड़ेगा, एक तो इसकी रेंजेस के बारे में जो अभी हमने पढ़ा, दूसरा इसके बारे में। अब ईस्ट टू वेस्ट में बात करें तो पंजाब हिमालय आता है, और इसके अंदर इंडस और सतलज नदी चलती है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की बात करें, इसमें कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय आता है, कुमाऊं हिमालय और ये लाए जाते हैं सतलज और काली नदी के आसपास, नेपाल हिमालय नेपाली साइड में जिसमें काली तिस्ता रिवर होती है, आसाम हिमालय आसाम साइड में जिसमें तिस्ता और दिहांग रिवर है, ठीक है। ये सारा मैप के जरिए आपको पता चलेगा। ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स की बात करें तो ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द हिमालय, and beyond the Dihang Gorge the Himalaya bends sharply towards south from the eastern hills of Purvachal, Purvachal की तरफ वो झुकती हुई दिखती है। और आपको बता दूं जैसे मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, हर साल ये 4 इंच आगे बढ़ता है, ठीक है। एक और अमेजिंग चीज बता देता हूं आपको कि आइलैंड जो है बेसिकली समुद्र द्वारा बनाए जाते हैं, राइट, लेकिन इस जगह पे आसाम साइड में नदियों द्वारा बनाया हुआ आइलैंड है, उसको हम लोग नाम दिया है मंजुली, क्या नाम दिया मंजुली, ठीक है। ये देखिए ये पूरा हिमालय है, ठीक है,
ये इस हिमालय के अंदर हमने ये पढ़ा। नॉर्थन प्लेन्स की बात कर लें तो द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय थ्री रिवर सिस्टम, थ्री रिवर सिस्टम से फॉर्म्ड है, द इंडस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज, उसके ट्रिब्यूटरीज के साथ यानी सहायक नदियों के साथ। ये देखिए ये क्या है, ये नॉर्थन प्लेन है। नॉर्थन प्लेन ये हिमालय के और शिवालिक के जस्ट नीचे की तरफ ये जो मैदानी इलाका है इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थन प्लेन। तीन नदियां कौन कौन सी, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंडस यहाँ से आती है, गंगा यहाँ से आती है, हिमालय से निकलती है जिसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम के अंदर, और ब्रह्मपुत्र यहाँ ऊपर से चली जाती है, इंडस ही वैसे ऊपर से जाती है लेकिन यहाँ से ये तीन नदियों का संगम होता है। एंड दिस प्लेन इज कम्पोज्ड, दिस प्लेन इज कम्पोज्ड एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा बनाती है। The total area of Northern Plain is about 7 lakh square kilometer. It is about 2,400 km long or 242,320 km broad है, चौड़ा है, ठीक है? The Northern Plain is divided into three sections. Three sections are Punjab Plain, Ganga Plain और Brahmaputra Plain. ये दिमाग में याद रखना कि ये तो total जो है वो तीन plain में divided है। एक तो Punjab Plain में, दूसरा Ganga Plain में और तीसरा Brahmaputra Plain में। क्योंकि पंजाब की बात करें तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो पंजाब प्लेन की अगर बात करें तो फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन में यहाँ पे इंडस और उसकी सहायक नदियां लाइक झेलम, चिनाब और रवि, बीस और सतलज है। ये मेजर पोर्शंस ऑफ द प्लेन इज इन पाकिस्तान में और ये दोआब बनाती है। दोआब मतलब पानी का कुंड जिसको पंजाब भी बोल सकते हैं। गंगा प्लेन की बात कर ले तो दिस प्लेन एक्सटेंड बिटवीन गगर एंड तिस्ता रिवर्स और द नॉर्थन स्टेट्स हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल लाई इन द गंगा प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की बात कर ले तो दिस प्लेन फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन एंड लाइज इन आसाम, ये आसाम की तरफ आती है, ठीक है? और इसमें क्या आता है, बाबर, तराई, भांगड़ और खतर, इसके बारे में हर बार एग्जाम पूछा जाता है। बाबर क्या होता है कि आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स द रिवर डिपॉजिट पेबल्स इन द नैरो बेल्ट, रिवर क्या करती है पत्थरों को लेके आती है, एंड दिस वेट ऑफ दिस बेल्ट इज अबाउट 8 से 16 किलोमीटर चलती है, और ये शिवालिक की तरफ पैरेलल है, शिवालिक की तरफ से चली जाती पैरेलल सीधे सीधे, एंड दिस रीजन इज नोन एज द बाबर, ऑल द स्ट्रीम डिसअपीयर इन दिस रीजन, ये क्या हो गया बाबर। तराई की बात कर ले तो तराई रीजन लाइज टुवर्ड्स साउथ ऑफ द बाबर, ये बाबर के साउथ में आती है। इन दिस रीजन द स्ट्रीम रीअपीयर एंड मेक ए वेट शामली एंड मानसी, गीला गीला होता है। बांगर की बात कर ले तो इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन एंड इज कंपोज्ड ऑफ द ओल्डेस्ट एलिवेल ऑयल, दे लाई अबव द फ्लोर प्लेन्स, ये बाढ़ की तरह के साथ है, इसको कांकर भी बोलते हैं, कांकर भी बोलते हैं, कांकर भी बोलते हैं, ठीक है? खादर की बात कर लें तो द फूड प्लांट्स फाउंड बाय यंगर एल्युमिनियम आर कॉल्ड खादर, एंड द सॉइल इन दिस रीजन इज रिन्यूड एवरी ईयर, इज थस हाईली फर्टाइल, बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है? ये पूरा नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया है, इस तरह से यह हरियाली भरा हुआ रहता है, राइट? अब पेनिनसुलर प्लेटू की बात करते हैं, ये पेनिनसुलर प्लेटू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये नॉर्थन प्लेन का पूरा पूरा समझ में आया होगा, फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप प्लीज मुझे बताएं, ठीक है? मैं कमेंट बॉक्स में खुला कर दूंगा, आप उसमें कमेंट दें, और आपको कोई भी दिक्कत हो इस चैप्टर के रिलेटेड तो बताएं, ठीक है? थैंक यू सो मच।